साइंस ही आजकल इस बारे में मेजर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज स्टडी वी वुड बी कंडक्टिंग चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टैटिक फॉर स्टूडेंट द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर रिग्रेशन सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड इलस्ट्रेशन नंबर 14 इन आवर अर्लियर वीडियो वी हैव स्टडीड वन न्यू कांसेप्ट दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन व्हिच इज आर स्क्वायर मैंने आपको बताया था कि आर स्क्वायर कब फाइंड करते हैं जब आपको आपके दो वेरिएबल के बीच की जो लीनियरिटी है वो कितनी वैलिड है कितनी रिलायबल है ये फाइंड करने के लिए हम आर स्क्वायर फाइंड करते हैं अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के नजदीक है तो रिलायबल है और आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से नजदीक है तो रिलायबल नहीं क्लियर नाउ लेट अस बिगिन विद इलस्ट्रेशन नंबर 15 सिक्स पेयर्स ऑफ फादर एंड सन आर कलेक्टेड सिक्स पेयर मतलब उसी पर एन का लिख दोगे सिक्स एन का लिख दोगे सिक्स ओके सिक्स पेयर ऑफ फादर एंड सन आर सिलेक्टेड इन अ सैंपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू नो द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड सेंटीमीटर वो एक्स है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पहला भी नहीं पर हाइट ऑफ फादर अरे हाइट ऑफ फादर क्या है एक्स है और दूसरा वेरिएबल क्या है हाइट ऑफ द अडल्ट सन ये दूसरा हाइट ऑफ अडल्ट सन ये है अपना वाई ये भी सेंटीमीटर से ये भी सेंटीमीटर क्लियर द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन क्या रिजल्ट ऑब्टेन हुआ सिग्मा एक्स अपन को मिला 1020 सिग्मा वाई ये एक्स बार और वाई बार ये सिग्मा है मतलब सारी एक्स की ऑब्जर्वेशन का टोटल सिग्मा वाई है 990 सिग्मा एक्स माइनस 170 होल स्क्वायर है 60 एंड सिग्मा y माइनस 165 होल स्क्वायर है 105 फिर सिग्मा x माइनस 170 y माइनस 165 है 41 ये डेटा दिया हुआ है अब निकालना क्या है ऑप्टिम रिग्रेशन लाइन y ऑन x तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है रिग्रेशन लाइन y ऑन x निकालना है पहला चीज दूसरा फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल हमको रिग्रेशन ये जो रिग्रेशन मॉडल उसकी रिलायबिलिटी कैसे पता चलेगी बाय फाइंडिंग आर स्क्वायर आर स्क्वायर मिलेगा तो रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल पता चल जाएगा तो अपन को निकालना है रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल ठीक है ये कैसे पता चलता है रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल आर स्क्वायर निकालना तो मतलब एक तो रिग्रेशन लाइन निकालनी है दूसरा आर स्क्वायर रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए अपन को बी निकालना पड़ता है सबसे पहले अब बी निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे वो अपना डेटा की पहले डेटा को अच्छे से स्टडी करो देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स दिया गया तो मैं एक्स बार निकाल देती हूँ एक्स बार क्या होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन ठीक है सिग्मा एक्स कितना है 1020 एन कितना है एन 6 है तो 1020 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आएगा 170 x बार कितना है 170 y बार कितना है y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा y मतलब 990 अपॉन n मतलब 6 सो 990 अपॉन 6 का अगर अपन करेंगे तो आता है 165 तो मेरा y बार है 165 और x बार है 170 अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे दिया है x माइनस 170 होल स्क्वायर 170 क्या है x बार मतलब ये क्या चीज है ये है x माइनस x बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60 पहले आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि x माइनस 170 होल स्क्वायर क्या है लेकिन जैसे आपने x बार निकाला तो आपको पता चला कि x बार 170 है मतलब ये x माइनस 170 क्या है x बार तो x माइनस x बार होल स्क्वायर अब देखो y माइनस 165 क्या है y बार तो ये क्या है y माइनस सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर दैट इज 105 क्यों क्योंकि ये 165 क्या पे लिखा हुआ है 165 क्या है y बार जो अपन ने अभी कैलकुलेट किया फिर है x माइनस 170 और y माइनस 165 तो x माइनस 170 और y माइनस 165 मतलब क्या हो गया सिग्मा x माइनस 170 क्या है x बार और y माइनस y बार क्योंकि 165 है y बार इज इक्वल टू 45 अब देखो यहाँ पे अपन को जो डेटा दिया है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार तो अपन सेकंड वाली फॉर्मूला यूज करके x माइनस एक्स बार वाली ठीक है फॉर्मूला अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए फॉर्मूला क्या है बी की अकॉर्डिंग टू दिस सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अब सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन ये
जीरा x माइनस एक्स बार और y माइनस y बार का 45 डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर कौन सा ये x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर जो है 60. ठीक है, तो 45 डिवाइड बाय 60 करूंगी तो मुझे मिल जाएगा अभी 45 डिवाइड बाय 60 0.7 का तो ये मेरा आ गया 0.7. अब अपन को रिग्रेशन मॉडल निकालना है, सॉरी रिग्रेशन लाइन निकालनी है, तो सिर्फ बीवी ए बी निकालना पड़ेगा. ए की फॉर्मूला लगे ए इज इक्वल टू वाई बार बी माइनस एक्स बार. वाई बार कितना क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है अपन ने निकाला, सॉरी और ये 160 बार. ठीक है, माइनस बी अभी अपन ने 0.75 निकाला और एक्स बार का है एक्स बार 170. क्लियर, तो इसका कैलकुलेशन करोगे 165 माइनस 0.75 मतलब 170 आएगा 127.5 और 165 माइनस 127.5 का जाएगा 37.5. तो मेरा ए आ गया 37.5. ए और बी आ गया तो अपन रिग्रेशन लाइन बना देंगे. रिग्रेशन लाइन ला के आप इसको टू ए प्लस बी एक्स. ए कितना भी अपन ने निकाला 37.5, बी 0.75 और x, तो y cap is equal to 37.5 plus 0.75 x. ये मेरा आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर. रिग्रेशन लाइन डन. अब दूसरा रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल, मतलब मुझे क्या निकालना है, आर स्क्वायर निकालना है. रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल निकालने के लिए मुझे आर स्क्वायर निकालना है. आर स्क्वायर मतलब आर की फॉर्मूला लगाओ. आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, जो अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर. तो x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला उसकी क्या है, x माइनस एक्स बार y माइनस y बार डिवाइड बाय रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर और रूट सिग्मा y माइनस y बार द होल स्क्वायर. अरे पूरे को मैं स्क्वायर कर दूंगी, क्यों, क्योंकि r स्क्वायर का है. अब मैं अगर इंडिविजुअल स्क्वायर करूं तो क्या होगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार ये पर्टिकुलर होल स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पे देखो यहाँ पे रूट है, रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर और y माइनस y बार द होल स्क्वायर. मतलब ये रूट और ये जो स्क्वायर था वो कट हो गया. ठीक है, अब देखो वैल्यू को डाउन करो. x माइनस एक्स बार कितना है, x माइनस एक्स बार y माइनस y बार 45. ठीक है, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस y बार का होल स्क्वायर क्या 45 का, लेकिन उसका होल स्क्वायर करेंगे राइट. अब सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 60 है और y माइनस y बार का होल स्क्वायर 105. ठीक है, सो 45 का स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 2025. ठीक है, 2025 एंड 105 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 6300. आप डिवाइड करो 2025 डिवाइड बाय 63 यानी तो आ जाएगा 0.32. 0.32 ये आपका आर स्क्वायर आया, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन दैट इज आर स्क्वायर आया. अब मुझे बताओ ये जीरो के नजदीक है कि वन के नजदीक है, इज इट नियर टू जीरो और इज इट नियर टू वन. ये जीरो के नजदीक है, ठीक है, ये वन के नजदीक नहीं है. और जब जीरो के नजदीक हो तो क्या होता है, आपका जो ये रिग्रेशन मॉडल है वो रिलायबल नहीं है. आप आंसर में क्या लिखोगे, द रिग्रेशन मॉडल इज नॉट रिलायबल एज द वैल्यू. आप पूरा लिखोगे एज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज नियर टू वन जीरो, देयरफॉर ये जो रिग्रेशन मॉडल है इज नॉट रिलायबल. क्लियर, मतलब अपने दूसरा क्वेश्चन भी आंसर कर लिया, डन. रिग्रेशन रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल था जिसमें अपन ने कोरिलेशन सॉरी अपन ने रिग्रेशन लाइन बाय ऑन एक्स निकाला और अपन ने रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल फाइंड किया बाय यूजिंग आर स्क्वायर. क्लियर, ओके. अब अपन स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन. इसमें हर एक चीज अलग थी, रिकॉग्नाइज करना x माइनस 170 होल स्क्वायर x माइनस x बार होल स्क्वायर, और वो मैंने आपको बताया कैसे रिकॉग्नाइज होगा. आप करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16. लेट अस स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 16. Let us study the question. If the regression line y on x is y cap is equal to 12 minus 1.5x. आपको regression line दी है. Y cap is equal to 12 minus 1.5x. ये regression line दी है. ठीक है? And the mean of the x is 6. Mean of the x मतलब x bar
मीन ऑफ द एक्स क्या है 6. फाइंड द मीन ऑफ पाई, आपको मीन ऑफ पाई निकालना है. कुछ नहीं, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता. एक्स की बदले 6 रिप्लेस कर दो खुद आ जाए. तो y cap is equal to 12 minus 1.5, x की बदले 6, 12 minus 1.5 multiply by 6, 9 होता है. And 12 minus 9 कितना होता है 3. तो y cap is equal to 3. अल्टीमेटली y cap में बाय बाय क्या हो जाएगा 3. तो y का मीन क्या आ गया 3. कैसा है, कुछ नहीं, आपको रिग्रेशन लाइन दे दिए, मीन ऑफ x दे दिए, मीन ऑफ y निकाला है. तो जो मीन ऑफ x है ना, x की वैल्यू पे रिप्लेस कर दो, y आ जाए. क्लियर. अब इसी का सब पार्ट है, ये पार्ट वन था. अब पार्ट टू है. इधर रिग्रेशन लाइन y ऑन x, इसमें भी रिग्रेशन लाइन दे दी. क्या रिग्रेशन लाइन है, 11.5 प्लस 0.65x. अब आपको y बार यहाँ पे दे दी है 18 और अपन को x बार निकालना. y बार दे दिया, x बार निकालना, ठीक है. सो y बार दे दिया तो अपन यहाँ पे y कैप के बदले 18 लिख देंगे और x पे काट देंगे. सो यहाँ पे 18 is equal to 11.5 plus 0.65x. अब यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा. 18 minus 11.5 is equal to 0.65x, ठीक है. सो 18 minus 11.5 का जाएगा 6.5. पॉजिटिव 6.5 is equal to 0.65x. x की वैल्यू ठीक है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 6.5 डिवाइड बाय 0.65 तो आ जाएगा 10. मतलब मेरा x बार क्या आ गया 10. क्लियर एकदम. इसमें एकदम इसी था, आपको दोनों में रिग्रेशन लाइन दी गई थी. एक में x बार दिया था y बार निकालना है, दूसरे में y बार दिया था x बार निकालना है. सिंपल. अब इलस्ट्रेशन नंबर 17. ओके, लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 17. ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 17. ओके, if x bar is equal to 5, मैं 17 का सब पार्ट वन कर रही हूँ. अगर x bar 5 है, y bar 11 है, y bar क्या 11, b भी आपको दे दिया है, regression coefficient b भी दे दिया 1.2, तो आपको निकालना है regression line y on x. कितना सिंपल है, regression line में अपन को पहले क्या चाहिए होता है, b चाहिए होता है. b तो अपने पास ऑलरेडी है. b निकालने के बाद अपन क्या निकालते हैं, a निकालते हैं. तो a निकाल दो, a is equal to y bar minus b x bar. अपने पास सब डेटा है, y bar 11 minus b 1.2 और x bar 5, सारा डेटा अपने पास अवेलेबल है. सो 11 1.2 minus multiply by 5 is 6, 11 minus 6 5. तो मेरा a क्या हो गया 5, a मेरा 5 हो गया. अब regression line y cap is equal to a plus bx, a कितना है 5, b कितना है 1.2 और x. अभी रिग्रेशन लाइन आ गई. एकदम सिंपल क्वेश्चन, या फिर आपको सब डेटा दे ही दिया था. आप जो हमेशा लंबी लंबी मेथड से बी निकालते ना, वो भी दे दिया है. रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए बी के बाद अपने को ए ही होता है, तो अपने ए निकाला, ए से रिग्रेशन लाइन निकाल. सिंपल. नाउ इसी क्वेश्चन का सब पार्ट टू. जस्ट इफ एक्स बार 60, एक्स बार 60 बोला है, वाई बार बोला है 75. ओके, उसके बाद x, fx स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस ऑफ x इज 2 कोवेरिएंस x1. इन दोनों के बीच का रेशियो दिया गया 5:3, ठीक है. आपको रिग्रेशन लाइन निकालनी है और कुछ एस्टीमेट करना है. पहले रिग्रेशन लाइन निकाल दें. रिग्रेशन लाइन के लिए b चाहिए. b के लिए आपके आपको दिख रहा है कि अपन को ये चीज दी गई है, ये चीज ऑब्वियसली यूज करनी पड़ेगी. क्या ये फॉर्मूला है कोई बी की? हाँ, की फॉर्मूला है कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स. अब यहाँ पे अपन को रेशियो दिया गया है. रेशियो में वेरिएंस इज टू कोवेरिएंस का रेशियो है, तो मैं बोल सकती हूँ, मैं ऐसा बोल लिख सकती हूँ ना कि जो वेरिएंस है वो 5x है और जो कोवेरिएंस है वो 3x है, राइट. मैं ऐसा लिख सकती हूँ, जस्ट अ मिनट. तो
a is equal to y bar minus b x bar. y bar क्वेश्चन में दिया है 75 minus b, b कितना है 0.6, x bar मतलब 60. तो 75 minus 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60 होता है 36. 75 minus 36 is equal to 39. तो a आता है 39. अब रिग्रेशन लाइन निकालते हैं. a plus bx, a कितना है 39, b कितना है 0.6, x ये मेरी आ गई रिग्रेशन लाइन. इतना ही हम एस्टीमेट करने को बोला है. क्या एस्टीमेट करने को बोला है? एस्टीमेट y फॉर x इज इक्वल टू 65. मतलब y एस्टीमेट करना है जब x है 65. तो क्या करेंगे, x की जगह 65 लिख देंगे. तो y cap इज इक्वल टू 39 प्लस 0.65, x के बदले लिख दिया 65. 39 प्लस 0.65 मतलब 65 होता है 39 एंड 39 प्लस 39 होता है 78. तो when x is 65 at that time y is 78. क्लियर? ये सभी बहुत इजी था. ताकि रेशियो में थोड़ा यहाँ पे थोड़ा अटेंशन ज्यादा देना है कि रेशियो में से कैसे आपको b निकालना है. ठीक है? सो अपन ने आज इलस्ट्रेशन नंबर 15, 16 एंड 17 कंप्लीट किया. सो विद दिस आई विल बी एंडिंग अवर लेक्चर, वी विल बी एंडिंग अवर लेक्चर एंड कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन अवर नेक्स्ट सेशन. टिल देन गुड बाय.